देखिए, आज से हमारा पेपर 9 स्टार्ट होता है सेमेस्टर 4 का। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या कि पार्टीशन। तो पेपर 9 जो है, फर्स्ट चैप्टर है रायमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट में पार्टीशन पढ़ेंगे। तो पार्टीशन एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए, जैसे कि हमारा ए बी कोई इंटरवल मान लेते हैं, स्मॉल ए बी जो हमारा है इंटरवल है, तो इस इंटरवल के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स हम मान ले रहे हैं क्या, जैसे कि हमारा ए से स्टार्टिंग है यहाँ पे इंटरवल्स, ठीक, और ए से बी पे गया है, तो ये दोनों के बीच में बहुत सारे एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, इसी तरह गया है कहाँ तक, एक्स एन माइनस वन तक, क्योंकि एक्स एन तक जाएगा तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया, तो यहाँ तक गया है। ठीक, तो ये जो हमारा हुआ, जो हमारा एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स एन माइनस वन तक है, ये हमारा क्या हो गया कि पार्टीशनिंग पॉइंट हो गया है। ठीक है, ये पार्टीशन है, मीन्स क्या, डिवाइड करना। पार्टीशन मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना ही होता है, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है। तो ए बी का इंटरवल है तो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम पार्टीशन। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, प्रॉपर्टीज इस तरह से सेटिस्फाई करेगा कि ये सबसे छोटा एलिमेंट होगा, फिर उससे बड़ा होगा ये, इससे बड़ा होगा ये, इसी तरह करते करते इस सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा बी होगा। ठीक, ए सबसे छोटा होगा और बी सबसे बड़ा होगा, और इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं पार्टीशन का क्या होता है। देखिए, एग्जाम्स में आते हैं व्हाट इज पार्टीशन, तो प्रॉपर डिफिनेशन आपको लिखना होगा वहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं प्रॉपर डिफिनेशन। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या कि लेट ए बी, देखिए स्मॉल ए बी जो है ना हमारा, और यहाँ पे कॉमा मत लीजिएगा, ए और बी जो हमारा है वो क्या है, बी अ क्लोज क्लोज बाउंडेड इंटरवल। क्लोज बाउंडेड इंटरवल है, देन पार्टीशन, पार्टीशन जो हमारा है वो हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन पी ऑफ द इंटरवल जो हमारा है ए बी इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है क्योंकि क्लोज है तो वो फाइनाइट तक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर ओपन रहता तो हमारा इनफाइनाइट होता, तो ये हमारा क्लोज है तो फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर सच दैट, इस तरह से देखिए, सच दैट क्या है कि पी जो हमारा है, पार्टीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स नॉट, एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, एक्स नॉट किसका वैल्यू होता है, वो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा होगा एक्स वन, फिर एक्स टू होगा, इस तरह हमारा कंटिन्यू जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमारा, एक्स एन तक, और एक्स एन का जो वैल्यू होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया पार्टीशन, मीन्स हो गया क्या, पार्टीशन पी इक्वल टू दिस, ठीक, विथ ठीक है, विथ द प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी होगा क्या कि ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा, मीन्स यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल जाएगा। तो विथ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किस तरह से कि x नॉट इक्वल टू a सबसे छोटा, फिर x1, फिर यहाँ पे देखिए x2, x3, इसी तरह से ये हमारा कंटिन्यू होके कहाँ तक, एक्स एन जो कि हमारा बी होगा। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे हियर क्या है कि एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू, ये हमारा एक्स एन जो है वो पार्टिशनिंग पॉइंट है, दिस इज पार्टिशनिंग पॉइंट, पार्टिशनिंग पॉइंट ऑफ द पार्टीशन। ये पार्टिशनिंग पॉइंट है पार्टीशन का, तो ये हमारा हो गया पार्टीशन। ठीक है, अब देखिए क्या कि सब इंटरवल्स क्या होता है, सब इंटरवल्स को हम सेल भी बोलते हैं। तो सब इंटरवल्स कुछ नहीं है, जैसे कि ये हमारा इंटरवल्स है, इंटरवल्स ही इसको बोल सकते हैं ना, जो एलिमेंट्स अंदर में रहेंगे तो हमारा इंटरवल्स है, तो इंटरवल्स है तो इंटरवल से ही कोई एक इंटरवल उठा लेंगे तो हमारा सब इंटरवल्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम उसका प्रॉपर डिफिनेशन उसका भी लिखते हैं। ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, तो 2 मार्क्स अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए, इसको डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, और वैसे भी
आगे प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, मीन्स प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे या प्रॉपर्टी कुछ कुछ यूजेस होगा, तो यहीं से यूजेस होगा, तो आप इसको अच्छे से लिखिए। मतलब क्योंकि ना बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिक जैसे ही आप समझेंगे तो आपके लिए तो चैप्टर इजी हो जाएगा। सब इंटरवल्स सब इंटरवल्स क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कि अदर नेम होता है इसका सेल। तो सेल ज्यादातर यूज नहीं होता है, तो सब इंटरवल्स ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक, तो चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं। क्या द सबसेट, सबसेट है किस तरह से, देखिए जो पार्टिशनिंग पॉइंट था ना यहाँ पे x नॉट x वन x टू से लिख गया था, तो उसी में से कोई एक उठाते हैं क्या, कि कहीं पे तो आएगा एक्स आर माइनस वन और एक्स आर का होगा कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसेट। ठीक, देखेंगे और r जो होगा वो रनिंग फ्रॉम कहाँ से, वन टू से लेके हमारा n तक ऑफ किसका, p का, मीन जो पार्टीशन था उसका। ठीक, आर कॉल्ड सब इंटरवल, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड सेल। सेल बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो पार्टीशन था ना हमारा, p इक्वल टू क्या था, x नॉट इक्वल टू a था हमारा। ठीक है, और यहाँ पे x1 था, x2 था। ठीक है, इसी तरह कहीं पे आएगा एक्स आर माइनस वन एक्स आर आएगा, फिर एक्स एन इक्वल टू b। तो ये जो हमारा हुआ, एक्चुअली मैं सब इंटरवल्स में ऑर्डर पेयर्स में आता है, तो ऑर्डर पेयर्स में ये हमारा उठा लिए, तो ये हमारा सबसेट हो गया। इस सेट का हमारा ये सबसेट हो गया है पार्टीशनिंग पॉइंट का, पार्टीशन का। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम सब इंटरवल। तो इसका यूजेस होगा बहुत जगह पे, बहुत सारे जो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसमें यूजेस होगा, तो आप अच्छी तरीके समझेंगे सब इंटरवल्स एक्चुअली में है क्या। तो इसी का एलिमेंट है और कुछ भी नहीं है, इसी का एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में लिया हुआ। ठीक, तो ये हमारा सब इंटरवल्स हो गया। अब देखिए क्या कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स क्या होता है, इसका लेंथ निकालेंगे। तो इसका लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम लिखते हैं, तो वो भी बहुत इजी है, लेंथ भी निकालना बहुत इजी है। किसी चीज का लेंथ हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि सब इंटरवल्स का लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, तो देखिए जैसे कि हमारा क्या सब इंटरवल्स क्या था, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर था। ठीक, ये हमारा सब इंटरवल्स था, तो इसका लेंथ निकालना मीन्स क्या हो जाएगा कि एक्स आर जो होगा वो माइनस कर देंगे एक्स आर माइनस वन में, क्योंकि देखिए एक्स आर बड़ा होता है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था कि हमारा एक्स नोट छोटा था, फिर एक्स वन, फिर x2 इसी तरह से गया था, तो एक्स आर माइनस वन तो पहले आएगा एक्स आर माइनस वन, फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा कि एक्स आर माइनस वन वो छोटा होगा किससे, एक्स आर से, और फिर इसी तरह फिर हमारा एक्स आर रहेगा, सॉरी एक्स एन जो रहेगा वो इक्वल टू बी था। ठीक है, तो एक्स एन तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम कुछ चीज़ का लेंथ निकालना चाहें सब इंटरवल्स के थ्रू, तो क्या होता है कि बड़ा में हम छोटा माइनस करते हैं, बड़ा में छोटा माइनस करते हैं, तो बड़ा यहाँ पे क्या है कि एक्स आर है, तो एक्स आर में हम क्या माइनस करेंगे, एक्स आर माइनस वन माइनस करेंगे, तभी तो हमारा लेंथ निकल जाएगा इजीली। और लेंथ हमेशा नेगेटिव में नहीं होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा क्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो लेंथ नेगेटिव में नहीं होता, तो ये पॉजिटिव निकलेगा ना, जैसे कि हमारा एक्स आर बड़ा हो गया, तो एक्स आर में हम इसको एक्स आर माइनस वन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो ये होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए जैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या कि द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ क्या सब इंटरवल्स, जो कि सब इंटरवल्स क्या था हमारा एक्स आर माइनस वन था और एक्स आर था, ये हमारा सब इंटरवल था। ठीक है, इज क्या हो जाएगा एक्स आर में माइनस करेंगे एक्स आर माइनस वन को। ठीक, एंड This is denoted by, कैसे देखिए डेल
एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये जो डेल होता है डेल एक्स से इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर आर से भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसे हम डेल आर से भी कर सकते हैं क्योंकि आर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो डेल आर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये वाला डेल आर। ठीक, तो इसे डिनोट कर सकते हैं या फिर इसे डिनोट कर सकते हैं। तो जनरली हम इसी से डिनोट करते हैं या फिर हम इसे डिनोट करते हैं डेल एक्स से या फिर डेल आर से। ठीक है, ये वाला डेल हम यूज़ नहीं करते, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया। एंड देन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें कि पी कोई पार्टीशन है, जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ठीक है, लेट पी बी अ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ किसका, ए बी का, ए बी जो इंटरवल है, सॉरी ए बी जो इंटरवल है उसका पार्टीशन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए बी है, मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे पार्टीशन का डिफिनेशन लिखे थे उस हिसाब से कैसा था हमारा, सच दैट पी इक्वल टू, देखिए हमारा एक्स नोट था, ठीक है, एक्स नोट इक्वल टू ए था, फिर यहाँ पे एक्स वन था, फिर एक्स टू था, तो इसी तरह से गया ना, एक्स आर माइनस वन एक एलिमेंट हो गया और एक्स आर हो गया एक। ठीक है, फिर एक्स एन हो गया इक्वल टू ये हमारा बी हो गया। थोड़ा सा राइटिंग खराब होगा क्योंकि ना उंगली में मेरा चोट लग गया है थोड़ा सा इस वजह से। ठीक, तो देखिए एक्स एन इक्वल टू बी हो जाएगा, तो यहाँ तक ये पार्टीशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि लेंथ निकालना सब इंटरवल का, तो सब इंटरवल यहाँ जो है वो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक एक सब इंटरवल हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इसी तरह ये कंटिन्यू सारा सब इंटरवल्स हो सकता है। तो लिखेंगे क्या कि यहाँ पे देन सब इंटरवल्स, अच्छे तरीके से समझिए क्या है कि सब इंटरवल्स आर क्या हो सकता है कि सब इंटरवल्स हम वहां से जनरली उठाए थे एक्स आर माइनस वन और एक्स आर को, क्यों हम यहाँ नहीं उठा सकते एक्स नॉट और एक्स वन को, एक्स नॉट और एक्स वन ये भी तो हमारा सब इंटरवल हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू भी सब इंटरवल हो जाएगा, एक्स वन और एक्स टू ये भी सब इंटरवल हो गया, इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू पूरा यहाँ से सब इंटरवल्स ले सकते हैं, एक्स एन माइनस वन एक्स एन तक ले सकते हैं। ठीक है, सारे सब इंटरवल्स ले सकते हैं। अब जो लेंथ होगा, तो लेंथ किस प्रकार से होगा, तो लेंथ यहाँ पे जो होगा देखिए, एंड द लेंथ, लेंथ्स आर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो ये जो सब इंटरवल है उसका लेंथ होगा क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, तो इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो देखिए डिनोशन जो होगा वो डेल वन डेल टू डेल थ्री डेल तक पूरा डेल एन तक कर सकते हैं, क्योंकि डेल आर लिए थे तो यहाँ पे आर था तो आर ले लिए थे, एक्स भी ले सकते थे, तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, एंड डिनोशन एंड डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई क्या कर सकते हैं, देखिए डेल वन से डिनोट कर सकते हैं, डेल टू से, डेल थ्री से कंटिन्यू डेल एन तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ठीक, तो तीन चीज आज हम सीखे हैं, क्या सीखे कि पहले पार्टीशन सीखे, फिर सब इंटरवल सीखे, और लेंथ ऑफ सब इंटरवल सीखे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए, उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से लिखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्या होता है कि टू मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे, शॉर्ट्स में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इजीली लिख पाए, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, ताकि आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी होगा सॉल्व करना।